अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुमान। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एक्सचेंज से रिलेटेड है, और वो आपको हमारे सामने नज़र आ रही है। ये है पैनासोनिक की KX TES है ये, और 824 यानी 824। और यहाँ पे ये देख लीजिए, ये हाइब्रिड सिस्टम है ये, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है TES 824 एडवांस हाइब्रिड सिस्टम। तो इसी से रिलेटेड ये सारी की सारी होगी, और इसको कन्फिग्रेशन और इसकी सेटिंग और ये वो सब कुछ आपको इसी सीरीज़ में, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। लीजिए आज की वीडियो में हम टॉपिक पे चलते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं हो जाए ताकि। तो अभी हम आ गए हैं अपने कंसोल पे जहाँ पे सारी की सारी सेटिंग होती हैं। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हम OMG रिकॉर्ड करते हैं, OGM जिसको हम बोलते हैं DISA के लिए। उसके एग्जाम्पल आपको दूँ, अगर कोई आपके एक्सटेंशन पर कॉल करता है, इनकमिंग कॉल होती है, मोबाइल से हो सकती है, लैंडलाइन हो सकती है, किसी भी किस्म की कॉल होती है जिसको आपने अलाउ किया होता है, जहाँ पे रिंग होती है, तो उस पर अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हूँ या किसी भी जगह पे हूँ किसी बड़े अदारे में, तो उनका सीन कुछ इस तरह से होता है कि अगर कोई कॉल करता है तो सबसे पहले ऑपरेटर यानी वॉइस रिकॉर्डिंग उसमें चलती है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कॉल करनी है तो आप प्रेस कीजिए 101, अगर आपने मैनेजर में कॉल करनी है तो आप सी डायल कर सकते हैं 0100, और इसी तरह HR डिपार्टमेंट में करनी है तो आप 103, इस तरह से शॉर्टकट बने होते हैं। तो हम वही चीज़ वो कंप्यूटर किस तरह से बोलता है उसी से रिलेटेड हम ये वीडियो है, तो उसमें हम किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपने जाना है यहाँ से प्रोग्राम में। प्रोग्राम में जाने के बाद उसका जो कोड है वो है 91 का। तो ये देखिए रिकॉर्ड OMG नंबर। अब किस नंबर पे हमें रिकॉर्ड करना है, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट पे कर देता हूँ। मुझे आप तीन एक टाइम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं सेव करने के लिए, तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ 1। प्लीज़ वेट की ऑप्शन आई है, बीप दी है, अब मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है हमारा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर कॉलिंग, अगर आपको IT डिपार्टमेंट में कॉल करना चाहते हैं तो आप प्रेस कीजिए 101, अगर आप HR डिपार्टमेंट में कॉल करना चाह रहे हैं तो आप प्रेस कीजिए 102, अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में करना चाह रहे हैं तो प्रेस कीजिए 103। यह बोलने के बाद आपने इसको कर देना है स्टोर। तो अब ये प्लेबैक होगी, यहाँ पे आप सुनिएगा ज़रा। आप मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है हमारा, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर कॉलिंग, अगर आपको IT डिपार्टमेंट में कॉल करना चाहते हैं तो आप प्रेस कीजिए 101, अगर आप HR डिपार्टमेंट में कॉल करना चाह रहे हैं तो आप प्रेस कीजिए 102, अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में करना चाह रहे हैं तो प्रेस कीजिए 103। तो खैर ये मैसेज हमारा स्टोर हो चुका है। आप कोई भी कॉल करेगा इस एक्सटेंशन हमारे लैंडलाइन पे, तो वो सबसे पहले यहाँ पे वो मैसेज सुनेगा। अगर वो मैसेज नहीं भी सुनेगा वो डायरेक्टली इसमें सेव होगा, कि अगर वो डायरेक्टली मैसेज सुने बगैर 0 दबा देता है तो वो जो मेन ऑपरेटर होता है या हमारा जो रिसेप्शन होती है वहाँ पे रिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। अब हमने ये रिकॉर्ड तो कर दिया, इसको सेव किस तरह कर सकते हैं इस सिस्टम में। सेव करने के लिए आपको वही जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है इसका कोड है, प्रोग्राम में जाना पड़ेगा आपको *#1234। पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ पे देखिए सिस्टम प्रोग्राम नंबर, इसका जो प्रोग्राम नंबर होता है वो होता है 414। तो यहाँ पे देखिए डे को मोड, मैं इसको प्रेस करता हूँ, उसके बाद कॉम नंबर पूछ रहा है कि हमने किस नंबर पर सेव की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1 पे की थी तो मैं 1 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए Co1 नॉर्मल। अब ये जो नॉर्मल है आपने इसको नॉर्मल नहीं रखना, आपने इसको म्यूट से चेंज करना है, जैसे कि आप लोगों को पता है कौन सा बटन कैसे इस्तेमाल करना है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए DISA OGM, अब ये पूछ रहा है हमसे आपने किस नंबर पर सेव की हुई है वो रिकॉर्डिंग, तो हमने 1 पे की थी, 2 पे की होगी तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, किसी पे भी उसमें कोई इशू नहीं है। हमने 1 पे की थी और 1 प्रेस करने के बाद हम कर देंगे इसको स्टोर। तो लीजिए हमारी सेटिंग जो है वो सेव हो गई, अब जब भी कोई कॉल करेगा तो वो इसी नंबर पे हमारे कॉल आएगी। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ चुकी होगी। फ़ोन से हम चलते हैं होल्ड पे, हम चलते हैं बैक और प्रोग्राम से इसको कर देते हैं बंद। तो इस वीडियो का इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फी अमान अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा, और ये जो कोडिंग मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर आपको इसके पेपर पर मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होती है इसलिए हम इसको फर्दर एक करके इसको याद नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत लंबी चौड़ी होती है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।